दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको एक पोएम के बारे में बताने वाला हूँ और वो लाइफ स्टोरी के बारे में उसने लिखी हुई है। इसका पोएम का नाम है बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। ये इमली डिकेंसन ने लिखी है। इनका पूरा नेम है इमली एलिजाबेथ डिकेंसन, ठीक है। एक ये अमेरिकी कवित्री थी। तो इस पोएम को मैं हिंदी में बताने वाला हूँ, प्योर हिंदी में, तो आप समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कहीं पेपर में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बने रहे तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। जिसका जन्म मैसूसेंटेस में हुआ था, अपने बचपन से ही वो अंतर्मुखी स्वभाव की थी। कई वर्षों तक उसने एक वैरागी जीवन बिताया था। उसने लगभग 1800 कविताएं लिखी थी। उसके जीवन काल में उनमें से एक दर्जन से भी कम कविताएं प्रकाशित की गई थी। डिकेंसन की कविताएं उस समय काव्य परंपराओं का अनुसरण नहीं करती हैं, जब छोटी पंक्तियाँ, आधी अधूरी तुर्कबंदी, गैर पारंपरिक रूप से बड़े अक्षरों, विराम आदि विधान का प्रयोग उसकी कविताओं की विशेषता थी। ऐसा माना जाता है कि वह अमेरिकी कवि निबंधकार रोलोफ वेल्डो एमर्सन की अंत ज्ञानवादी दर्शिकता से प्रभावित थी। बहुत सी कविताएं मृत्यु तथा अन स्वरता के प्रसंगों से भरी पड़ी थी। ये दोस्तों, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। डिकेंसन का अमेरिकी का के बड़े बड़े कवियों में से एक गिना जाता है उसको। डिकेंसन है जो कवि है, वो एक अमेरिका के बड़े बड़े कवियों में से एक गिना जाता है उसको, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ तक इसका परिचय बताया, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ वीडियो में। तो आइए चलते हैं, अबाउट दी पोएम के बारे में बताते हैं, कविता का परिचय देता हूँ। इस कविता में कवित्री मृत्यु के साथ अपनी काल्पनिक भेंट का वर्णन करती है। वह मृत्यु के अर्थ के बारे में विचार करती है, मृत्यु के बाद वाले जीवन के रहस्य के बारे में खोज करती है। कविता एक वृत्तांत के रूप में है। कवित्री मृत्यु को एक शिष्ट भद्र पुरुष के रूप में प्रस्तुत करती है। मृत्यु देव उस जीवन रूपी सड़क पर मिलता है। वह उसे अपने रथ में सवारी कराने ले जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कविता में इस सवारी का और सवारी के दौरान कवित्री के भाव का वर्णन किया जाता है। तो यह सवारी इस धरती पर मनुष्य की अंतिम यात्रा का प्रतीक है। रथ अर्थी का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है दोस्तों, ये बताया गया इस पोएम में। तो ये चलते हैं आगे। इस कविता में मृत्यु के विचार को भय, चिंता, पीड़ा किसी भी भावना के बिना लिया गया। इसे एक प्यारे मित्र के रूप में लिया गया। कवित्री को एक रथ में बिठाकर अमृतव की तरफ ले जा रहा था। रथ में एक अन्यायी यात्री है, वो अनसवरता इस तरह मृत्यु के बाद आने वाले जीवन को एक अनंत यात्रा के रूप में लिया गया। कविता का परिचय था, तो अब आगे चलते हैं। और मैं एनालिसिस के बारे में बताना हूँ, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मैंने पिक्चर लगाई है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। तो कवित्री कहती है कि उसके पास अपने जीवन के दौरान मृत्यु के बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। वह पूरा समय अपने संसारिक कामों में व्यस्त रहती थी। वह मृत्यु के बारे में सोचने के लिए कभी समय नहीं निकालती थी। फिर एक दिन मृत्यु देव अपनी गाड़ी लेकर आया। वह सड़क पर चला जा रहा था और वह कवित्री के लिए रुक गया। उसके कवित्री को अपने साथ सवारी करने के लिए बुलाया। गाड़ी में अमृतव नाम का एक अन्यायी यात्री भी था। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में मृत्यु के बारे में नहीं सोचता है, किंतु मृत्यु एक दिन आ ही जानी है, यही सोचता है ना। तो इस धरती में मनुष्य की जीवन संबंधित यात्रा का अंत कर देती है, किंतु यह अंतिम चरण नहीं होता। इस धरती पर नश्वर जीवन के समाप्त होने के पश्चात हमारे लिए स्वर्ग में एक अमर जीवन होता है दोस्तों। तो आइए, तो ये आपको मैं दूसरी लाइंस बता रहा हूँ, तो इसको भी मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये भी एनालिसिस के बारे में हिंदी में बता रहा हूँ। तो कवित्री मृत्यु देव के साथ अपनी काल्पनिक सवारी शुरू कर देती है। वह कहती है कि मृत्यु देव ने गाड़ी को धीरे धीरे चलाया, उसे कोई जल्दी नहीं थी। कवित्री ने अपनी सभी क्रियाएं त्याग दी, उसने जीवन का सब सुख दुख त्याग दिया। मृत्यु देव कवित्री के प्रति बहुत शिष्ट तथा विनम्र था। उसने
कवित्री को अपना गाड़ी में सवारी दी, इसलिए कवित्री ने मृत्युदेव के साथ जाने के लिए अपनी सभी क्रियाओं को त्याग दिया। कवित्री यह कल्पना करती है कि मृत्यु कोमलता से उसके पास आएगी, बट मृत्यु की सच्चाई को बड़ी शांति से स्वीकार करती है। उसके मृत्यु संबंधी विचार के साथ किसी प्रकार का भी पीड़ा जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, इस पोएम में कवि कहती है, एनालिसिस में तो कवित्री कहती है कि गाड़ी एक स्कूल के पास से गुजरी, बच्चे वहाँ खेल रहे थे, वे एक अखाड़े में कुश्ती खेल रहे थे। ठीक है दोस्तों, फिर गाड़ी खेतों के पास गुजरी, वहाँ फसलें उगी हुई थी, अनाज के दाने सवारी करने वालों की ओर देख रहे थे, अंत में गाड़ी डूबते हुए सूर्य के पास से गुजरी। कवित्री का मन अतीत की ओर चला जाता है, वह जीवन की यात्रा के बारे में सोचने लगती है जो अंत में हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। स्कूल, अनाज के दाने और डूबता हुआ सूर्य बचपन, जवानी तथा बुढ़ापे का प्रतीक होता है। तो ये बताया गया है इस एनालिसिस में बताया गया है कवित्री अस्त होते सूर्य को यहाँ धरती पर मनुष्य के जीवन के अंत के प्रतीक के रूप में लेती है। सूर्य यहाँ जीवन का प्रतीक है और इसका अस्त होना मृत्यु का प्रतीक है। जब सूर्य अस्त होता है तो सभी जगह अंधेरा और ठंड हो जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे एक अंधेरी कब्र में दफना कर दिया जाता है। उसके बाद शरीर पर मात्र एक पतला सा कफन होता है। यहाँ कवित्री मृत्यु की तुलना एक मिठुरन वाली सर्दी की रात के साथ करती है। ठीक है दोस्तों, इस एनालिसिस में बताया गया है कि गाड़ी फिर एक घर के सामने जा रुकी। यहाँ पर घर धरती के ऊपर केवल एक सूजन के समान था। इस मकान की छत मुश्किल से दिखाई दे रही थी, इसका छज्जा धरती के साथ ही लगा हुआ था। मकान यहाँ पर कब्र का प्रतीक था, मनुष्य की जीवन यात्रा उसकी कब्र पर समाप्त हो जाती है। इसमें ये बताया गया है, इस एनालिसिस में ये बताया गया है, कवित्री कहती है कि उस यात्रा को समाप्त हुए कई शताब्दियाँ बीत गई, किंतु फिर भी प्रत्येक शताब्दी एक दिन से भी छोटी प्रतीत हो रही है। कवित्री कहती है कि यात्रा के समय ही उसने अनुमान लगा लिया था कि गाड़ी के घोड़े उस अमर लोक की ओर ले जा रहे थे। इस प्रकार इमली डिकिंसन मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार कर लेती है। वह विश्वास करती है कि मृत्यु विनाश की ओर नहीं अपूर्ति अमर जीवन की ओर ले जाती है। मृत्यु के बाद वाले जीवन में समय महत्वहीन हो जाता है। ये सारा पोएम का इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, तो आपको मैं कुछ आंसर्स भी बता देता हूँ इसके बारे में। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एग्जामिनेशन स्टाइल में आंसर करना होता है। हमारे पास खाली पोएम की लाइंस आएंगी, जैसे ऊपर पोएम लिखी हुई है तो उसके नीचे हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना होता है। तो ये आता है हमारे पास, तो आपको ये पूरा लर्न करना है, याद करना है और पढ़ के हमारे को आंसर देना है। तो कुछ मैंने हिंदी में बता चुका हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने ये सब डाल चुका हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो को अच्छे से सुनिए क्या इस पोएम में बताया गया है। तो आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। ये मैंने क्वेश्चन आंसर भी अपलोड किए हुए हैं, इनकी पिक्चर्स डाली हुई है, तो आप भी इसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।